नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं श्वेता आज आपके लिए लेकर आई हूँ परवल दो प्याजा के रेसिपी। पनीर दो प्याजा तो आपने बहुत बार खाया होगा, आज हम बना रहे हैं परवल दो प्याजा। तो चलिए जल्दी से हम अपना रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना नहीं भूलें। परवल दो प्याजा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg परवल लिया है। आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से बना ले। और इस तरह से आप प्याज को काटिएगा चौकोर में, परवल दो प्याजा में या पनीर दो प्याजा में इसी तरह से काटा जाता है। टमाटर लिया है मैंने, इसे भी इसी तरह से शेप में काटा है। लहसुन है, प्याज को मैंने कुछ प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और परवल को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है इसका ऊपर का छिलका, और धो के पंखा के नीचे सुखा लिया है ताकि जब इसको हम फ्राई करें तो तेल उड़ के चारों तरफ ना पड़े इसलिए। चलिए अब इसको हम इस तरह से बीच से चीरा लगा लेते हैं। इसे हमें दो भाग में काटना नहीं है परवल दो प्याजा बनाने के लिए। इसी टाइप से आप परवल को छिलके काटिएगा, ये सब्ज़ी दिखने में भी अच्छा लगेगा और बन के भी अच्छा सा तैयार होगा। टेस्ट में भी आपको फ़र्क पड़ेगा, जब आप इसको बीच से काट दीजिएगा या पीसेस में काट दीजिएगा तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। सारे परवल को हमने काट लिया है। कढ़ाई में सरसों तेल मैंने डाला है, आपको जो भी तेल आप खाते हैं उसमें इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, बीच बीच में थोड़ा फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। इसे ढक के हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दही। दही में मैंने 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी मैंने डाल दिया है। चलिए अब परवल को हम चेक करते हैं कि एक साइड से अगर ये अच्छे से फ्राई हो गया होगा तो इसे पलट लेंगे। ये देखिए परवल कितने अच्छे से एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर से हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। चलिए ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं कि हमारा परवल अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं। ये देखिए परवल अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा देर इसे कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये जल जाएंगे। परवल हमारा फ्राई हो गया, इसे मैं प्लेट आउट कर लेती हूँ। इसके बाद कढ़ाई में हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें बहुत कम टाइम के लिए भुनना है इसीलिए हमने इसे परवल के साथ नहीं डाला था। बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसे गरम तेल में चला लीजिए, काफ़ी है उतना देर के लिए। मसाला मैंने अपने हिसाब से डाला है, थोड़ा अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। पर प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और कढ़ाई में मैंने और कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ में 1 चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और 1 सूखी मिर्च डाल रहे हैं। इसे अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आप अच्छे से बारीक चॉप कर लीजिएगा। अगर बारीक चॉप करने में नहीं हो रहा है तो आप प्याज को घिस के भी डाल सकते हैं। मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं अदरक लहसुन। इसे अदरक लहसुन को मैंने खलबट्टे में कूट के ऐड किया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर इसे जब कूट के हम डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। अब दही में जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे वो मसाले हम ऐड कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से हम चलाते हुए पका लेंगे। मसालों को आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पे मसाले जल जाएंगे और अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छा सा पकेगा। थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि इसकी खुशबू बनी रहे और ये मसाले ना तेल को रिलीज़ कर पाए इसीलिए।
ये देखिए ढक के पकाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, इसे मैंने लास्ट में ऐड किया है। नमक लास्ट में ही ऐड करिएगा। इस तरह से नमक डाल के अच्छे से हल्का हाथों से प्रेस करते हुए मसाले को मिक्स कर लीजिए। जब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राई किया हुआ परवल, और परवल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। परवल को मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप के लगभग पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप ज़्यादा कम, जैसा आपको रस वाली सब्जी चाहिए परवल दो प्याज़ा तो आप उस तरह से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कम पानी डाला है, कम ग्रेवी वाली सब्जी हमें चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने अभी परवल ऐड सॉरी प्याज ऐड नहीं किया था। 5 मिनट के लिए हमने इसे पहले ढक के पका लिया है। इसके बाद हम फ्राई किया हुआ परवल और टमाटर जो हमारा चॉप किया हुआ था वो ऐड करेंगे 5 मिनट के लिए। जब हम परवल को सॉफ्ट कर लेते हैं इसके बाद ये ऐड करते हैं तो प्याज हमारा अच्छे से नहीं पकेगा, तो वो अच्छा सा फ्लेवर आएगा परवल दो प्याजा का। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। इन सबको डालने के बाद ढक के हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे मसाले और प्याज आपस में अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटा के इसे चेक किया है, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपको परवल और प्याज अलग अलग दिख रहे हैं। परवल दो प्याजा या पनीर दो प्याजा का यही खासियत होता है कि प्याज और पनीर या पनीर परवल और प्याज अलग अलग दिखे। चलिए अब इसको मैंने ठंडा कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि ये अच्छे से सूख गए हैं। मैंने इसे ड्राई ही बनाया है, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए रेडी है आपका परवल दो प्याज़ा, ये बहुत टेस्टी लगता है। रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।